कृषि बिल को लेकर राजनीतिक गरम है। एनडीए कृषि बिल से किसानों का फायदा होने की बात कर रहे हैं तो विपक्ष इसे काला कानून बता रहा है। इससे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। झारखंड में सत्ता चला रहा महागठबंधन के घटक दल कृषि बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक है। कृषि विधेयक का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टियों में कांग्रेस प्रमुख है। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ आंदोलन फूंक दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कृषि विधेयक को काला कानून करार देते हुए कहा कि किसानों को दबाया जा रहा है, विरोध नहीं हुआ तो देश कभी माफ नहीं करेगी। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किसान विरोधी कानून का व्यापक विरोध करके प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिहार की धरती चौपारण से नील आंदोलन, जो किसानों के खिलाफ था, एक बड़ी आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में देश के लोगों ने किया था। आज एक बार फिर 70 वर्षों में यह पहला मौका है जब केंद्र की सरकार किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो नहीं ही दिया, अब उनके ऊपर में कड़ा प्रहार कर रही, संसदीय व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए संघीय ढांचों का माखौल उड़ाया और एक ऐसा निर्णय देश के ऊपर थोपने का काम किया है जो देश की बुनियाद को हिला सकता है। किसानों के साथ जो हमारी आत्मा है, भारत का गांव किसानों के अंदर बसता है, जो हमें 2 जून की रोटी देता है, आज वो मुश्किल में है, संकट में है, विपत्ति में है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर किसानों को भरमाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का देशव्यापी बंद सफल नहीं हुआ। उसके समर्थक दलों द्वारा कृषि विधेयक के जो विरोध पे सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बिल्कुल समझ से परे है कि जब संसद में चर्चा करने की बारी थी तो वो वॉकआउट करके सरकार का विरोध जता रहे थे। और वही कांग्रेस पार्टी जब 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एपीएमसी खत्म करने को लेकर और बाजार व्यवस्था को बिल्कुल खुला करने के लिए वादे करती है जनता से, तो वो सही करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल लेके आती है सदन में, लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी सारी चीजों का व्यवस्था का विरोध करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने और कृषि मंत्री ने स्वयं आकर स्पष्ट किया लोगों के समक्ष, किसानों के समक्ष, कि न एपीएमसी खत्म होने जा रही है, न एमएसपी का प्रावधान खत्म होने जा रहा है, बल्कि किसानों की सहूलियत के लिए हम उनके लिए व्यापक बाजार की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ताकि किसान अपना कहीं भी प्रोडक्ट बेच सके, उसको बेहतर मूल्य मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उस दिशा में एक उठाया गया कदम है। तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहे, कल उन्होंने बंद बुलाया था, लेकिन बंद का क्या असर हुआ आम लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस जिस नकारात्मक राह पर चल पड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी सजगता से अपने सृजनात्मक कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। कृषि विधेयक को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश जारी है। विपक्ष बिल को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटा है। वहीं एनडीए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। बहरहाल लगता है कि इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी रहेगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर, खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम। हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड बीआईटी एक्सटेंशन, लालपुर रांची। कॉल 920-4855-800/01/02/03/04, ईमेल sbbm17@gmail.com।